मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आज मैं क्लास टू के लिए मैथ विषय में एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में कुछ सिखाने आया। सबसे पहले पहला एग्जांपल में 35 में देखते हैं 3 जो है टेंस प्लस पर लिखा हुआ है, इसलिए 3 टेंस। इसके बाद 5 जो है वंस प्लेस पर है, इसलिए 5 वंस। 3 टेंस को हम 30 और 5 वंस को 5, यानी 35 को विस्तारित रूप में 3 टेंस प्लस 5 वंस और फिर 3 टेंस को 30 प्लस 5 लिखते हैं। इसके बाद इसी तरह से दूसरा एग्जांपल में 64 में 6 जो है टेंस प्लेस पर लिखा हुआ है, इसलिए 6 टेंस। इसके बाद 4 वंस प्लेस पर लिखा हुआ है, इसलिए 4 वंस। 6 टेंस यानी 60, 4 वंस यानी 4। एक बार इसको समझ लेते हैं, जैसे 64 को विस्तारित रूप में 6 टेंस प्लस 4 वंस, 6 टेंस को 60 और 4 वंस को 4। इसके बाद तीसरा एग्जांपल में 305, इसमें 3 जो है हंड्रेड्स प्लेस पर है, इसलिए 3 हंड्रेड्स। इसके बाद शून्य जो है टेंस प्लस पर है, लेकिन यह शून्य है इसलिए यहां टेंस के स्थान पर शून्य लिखते हैं। इसके बाद 5 जो है वंस स्थान पर है, 5 वंस। 300 प्लस टेंस के स्थान पर शून्य है इसलिए नहीं लिखेंगे, 5 वंस की जगह पर 5। फिर से एक बार समझ लेंगे तीसरा उदाहरण को, 305 को विस्तारित रूप में 305 वंस यानी 305। इसके बाद चौथा उदाहरण में 870 में देखेंगे 8 जो है 100 स्थान पर है, इसलिए 800 लिखेंगे। इसके बाद 7 जो है टेंस स्थान पर है, इसलिए 7 टेंस लिखेंगे। इसके बाद 1 के स्थान पर 0, इसलिए 1 के स्थान पर 0 लिखेंगे। इसके बाद 800 के जगह पर 800, इसके बाद 7 टेंस के जगह पर 70, वंस के स्थान पर शून्य है इसलिए नहीं लिखेंगे। फिर से एक बार इसको समझ लेंगे, 870 को विस्तारित रूप में एक्सपेंडेड फॉर्म में 807 टेंस यानी 800 प्लस 70। अब इस उदाहरण को समझने के बाद नीचे 8 डब्लू में दिया हुआ है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी ये जो संख्या है जो नीचे दी हुई है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बना करके घर से लाना है अंदर।